in front of you and number one top educator for economics and UGC net category. अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. हेलो प्रियंका. सो गाइस, सेट क्या है आप लोगों का? पहले एक बात तो आप ये समझिए, इन मैथमेटिक्स अ सेट इज़ अ कलेक्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर्स एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट. फॉर एग्जाम्पल, देखिए सेट आप लोगों का क्या है, जब मैं कुछ नंबर्स को इकट्ठा करके जो है मैं एक सेट जो है क्या है मैं बना लेती हूँ, हेलो बाज, तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है, वो आप लोगों का सेट कहलाता है. जैसे कि अभी आपने देखा मैंने नंबर्स को कलेक्टिवली लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है मैंने नंबर्स को यहाँ पे कलेक्टिवली, यहाँ पे मैंने 2, 4, 6 इस तरीके से अपना एक सेट जो है क्या है मैंने अपना रेडी जो है किया हुआ है. अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का साइन क्या होता है यार? इसको रिप्रेजेंट करने का जो साइन होता है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट जो है क्या है आप अपना कर सकते हैं. अब सेट से रिलेटेड ही हमारी कुछ चीज़ें हैं. क्या चीज़ें हैं पहले हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. हेयर वी हैव दी सेट नोटेशन. तो देखिए सबसे पहले है आप लोगों का यू. यू का मतलब जो है क्या होता है, यू का मतलब होता है यूनियन. अभी यूनियन से क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए और ए के अंदर आपके दो एलिमेंट्स है 5 and 6. ओके, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे दूसरा सेट है बी. बी है आपका यहाँ पे 1, 2, 3, 4. और अभी आपको क्या करना है, आप लोगों को निकालना है यहाँ पे ए यूनियन बी जो है आपको निकालना है. तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि आप लोगों को यहाँ पे सारी नंबर्स लिखने हैं. हाय नरगिस, चाहे वो ए के हैं चाहे वो बी के हैं. तो ये ऐसा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ए यूनियन बी का जो है हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, ए यूनियन बी का हमारा यहाँ पे मतलब है कि सारे नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठे करके लिखने हैं, चाहे वो आप लोगों के ए के हो या फिर आप लोगों को जो है वो नंबर्स कैसे देखने के लिए मिलते हैं या फिर नंबर्स वो आप लोगों को बी के देखने के लिए मिलते हैं, राइट. ये होता है आप लोगों का यूनियन. अच्छा, यूनियन का उल्टा होता है अपोजिट यू. तो अपोजिट यू क्या है, अपोजिट यू का हमारा यहाँ पे मतलब है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में आप लोगों को क्या देखना होता है, मतलब इसके अंदर आपका कॉमन क्या है. इंटरसेक्शन का मतलब है आप लोगों का कॉमन, राइट. तो कॉमन में आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे ए वाले सेट के अंदर साथ में मैं यहाँ पे 4 भी लगा देती हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों से बोलती हूँ ए इंटरसेक्शन बी बताओ. हेलो अंशिका, गुड इवनिंग यकबाल. तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है, जो ए में भी है और जो वो आप लोगों का कैसा रहता है, वो आप लोगों का बी में भी रहता है. तो जी, जो चीज़ ए में भी रहती है और बी में भी रहती है वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है आप लोगों का 4. इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है कर सकते हैं. देखिए सेट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ है तो क्या है, उसके फॉर्मूलाज को समझना. अगर आप लोगों ने उसके फॉर्मूलाज को समझ लिया तो कोई भी आप लोगों को वहाँ पे वो दिक्कत जो है क्या है वो नहीं आने वाली. ओके, अगला नोटेशन देखते हैं. अगला नोटेशन आप लोगों का क्या होता है, अगला नोटेशन है आपका ई का. ई का मतलब क्या है, एलिमेंट. ओके, सॉरी. सो गाइस, एलिमेंट से जो है हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, क्या बोलती हूँ मैं यहाँ पे, लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग. जैसे आपका एक एलिमेंट है 2, ठीक है, 2 एलिमेंट है किसका, सेट बी का. तो इसका मतलब है ये 2 जो है ये बिलोंग करता है किससे, बिलोंग करता है बी वाले सेट से, जो है आप लोगों का यहाँ पे ये बिलोंग करता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. अच्छा, ऐसे ही मैं जब यहाँ पे बी सेट की बात करूँ और मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँ 7, ठीक है, नॉट एन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट एन एलिमेंट इसका कोई भी लेना देना नहीं है. किससे लेना देना नहीं है, ना तो इसका बी वाले सेट से लेना देना है, ना ही इसका कोई लेना देना है आप लोगों का ए वाले सेट से. तो ई के ऊपर जब ऐसे, हेलो ममता गुप्ता, ई के ऊपर आप जब लगा के जो है इस तरीके से आप स्लैश डाल देते हो
ये तो ये आप लोगों का क्या बन जाता है, ये आप लोगों का बन जाता है नोट एंड एलिमेंट जो है क्या है आप लोगों को यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे ये नज़र जो है क्या है यहाँ पे ये आएगा। ओके चलिए उसके बाद अगली चीज़ देखिए, नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट में आप लोगों को एक नोटेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज़ सबसेट। ओके तो गाइस सबसेट वाले का मतलब जो है क्या होता है, पहले बात तो आप ये देख लो कि सबसेट को आप दर्शाते कैसे हो। सबसेट को आप लोग दर्शाते हैं इस तरीके से, आप लोग इसको मतलब इस तरीके से आप इसका साइन जो है क्या है आप यहाँ पे ये बनाएंगे। ठीक है तो इसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं एम्प्टी स्लाइड पे। देखो भाई ऐसा हो जैसे आपका एक सेट है ए, ए में आप लोगों के नंबर्स है 1, 3, 5। ठीक है वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, ठीक है उसके बाद एक सेट है आपके पास बी, बी में है आप लोगों का 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है देखो अगर ऐसा होता है आप लोगों का क्या होता है, एक सेट आप लोगों का कैसे निकल जाएगा। हेलो अश्विनी पटेल, हेलो एकता, हाय रिपन वर्मा। तो आप देखिए यहाँ पे जो ए वाला सेट है आप लोगों को आराम से नज़र आ रहा है, किस में से नज़र आ रहा है कि ए जो है वो किसका सबसेट है, वो सबसेट है बी का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए सबसेट ऑफ बी। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, बी वाले सेट में से अपना ए मैं आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये आपका क्या है 1, 3, 5 जो है आपका यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है। वहीं पे अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं सी की, सी में आपका 7 है और 8 है, तो ये सी जो है आपका कैसा होगा, सी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऐसे, आप बनाएंगे नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ना ही सी जो है वो आपका सबसेट है ए का। ठीक है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसे बना सकते हैं सबसेट को। अच्छा सबसेट को समझने के लिए आप वेन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो। वेन डायग्राम को यूज़ करने का क्या मतलब है, वेन डायग्राम जैसे होता है ना, जैसे ए आपका छोटे वाला है बी आपका बड़े वाला है, तो आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे बोलते हो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो क्या है, ए आपका बी में से ही निकल जाएगा तो ये इसका सबसेट है। ओके सो गाइज एक नोटेशन हमारी और है जिसको हम लोग नल और एम्प्टी सेट भी आप लोग इसे बोलते हैं। तो नल और एम्प्टी सेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब खाली है। ठीक है जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि बी वाला हमारा सेट कैसा है, बी वाला हमारा सेट बिल्कुल ऐसा ये खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो हम लोग ऐसा उसको फाई से जो है हम उसे दर्शा सकते हैं, और इसे आप नल और एम्प्टी सेट के नाम से भी आप जानते हैं। ओके अब देखिए जी अगली चीज़, इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी, आई होप नोटेशन आप लोग समझ गए होंगे। इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ नंबर्स और अदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको क्या बताता है, ये आपको नंबर्स के ग्रुप के बारे में बताता है। हेलो बसंती दास, और एलिमेंट्स के बारे में बताता है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, जैसे एक है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा है आप लोगों का यहाँ पे माइनस का 0.7, माइनस का 0.2, पॉजिटिव का 0.1, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तीसरे वाला है आप लोगों का यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है क्या है नज़र आ रहा है। तो तीन अलग अलग तरीके के आपको सेट जो है दे रखे हैं। अब एग्जांपल में देखिए, मैंने बोला ना ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ, तो फोर किसका एलिमेंट है, फोर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 का। सेवन इसका एलिमेंट नहीं है तो नॉट इक्वल टू। 6, 7, 8, हाय अजय कुमार राज, ये इसके 6, 7, 8 के एलिमेंट है। ठीक है सेट कैन बी नेम्ड यूजिंग लेटर्स, मतलब आप इनका लेटर्स में से भी नाम, जैसे ए सेट के अंदर 0 है, 2 है, मतलब सारे इवन नंबर्स हैं। कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं आपके 20 तक।
फिर उसके बाद बी सेट में 1 से लेके 5 तक है, तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो है बी आपका नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि इसके सारे नंबर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ें जो हैं दिखा सकते हैं। सेट के ऑपरेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यूनियन में सारा लिखना होता है, इंटरसेक्शन में बस आपको कॉमन लिखना होता है, डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में होता है दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ बी, यानी कि खाली आपको ए देखना है जो बी के आप लोगों के नहीं है। अगर मैं आपको ए माइनस बी बोलती हूँ तो ए माइनस बी में से आप लोग कनेक्ट दिखा रहा है भाई, OBS रिकनेक्शन सक्सेसफुल। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे, अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो खाली आप a के वो एलिमेंट्स लोगे जो b के अंदर शामिल नहीं होते, ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है। अभी देखो क्वेश्चन देखिए आप। सो गाइस ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, ए ऑप्शन बी सी या फिर डी, दोनों के जो आप लोगों के सेट हैं वो आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से वाले जो है यहाँ पे आपको इक्वल देखने के लिए मिलते हैं। सी वाला होगा, देखो ये मैटर नहीं करता कि ए में 3 एलिमेंट्स है तो बी में भी 3 एलिमेंट्स हो, मेन मैटर इज देखो ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी में भी 1 2 3 है, इसलिए आप इसे यहाँ पे बोल सकते हैं दिस बोथ सेट्स आर इक्वल। ये बात अलग है थोड़ा सा, इन्होंने बस आगे पीछे करके यहाँ पे दे रखा है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, किसने दिया है, राइट आंसर हैज़ बीन गिवन बाय दी दीना बंधु साहू ने जो है यहाँ पे सबसे पहले राइट आंसर दिया है। ओके तो भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाइए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड और प्रॉपर फॉर्मेट में देना सेकंड क्वेश्चन का जो भी आप दे रहे हो। द मेंबर ऑफ द सेट एक्स, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 100, यानी कि स्क्वायर ऑफ इंटीजर भी है बट ये ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 100 ही होनी चाहिए। देखो इजीली आपको पता लग रहा होगा, पहली बात तो अच्छा अभी सॉल्व कर रहे हैं, कर लो पहले सॉल्व आप इसे। देखो पहली बात तो आप लोगों का यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपने स्क्वायर लेने हैं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो स्क्वायर आपके कौन कौन से है, 0 है 1 है 4 है 9 है, ओके, उसके बाद 16 है 25 है, ये सब स्क्वायर है और स्क्वायर कैसे होने चाहिए, लेस देन 100। बहुत सारे लोग सी को भी दे रहे हैं, भाई 99 किसका स्क्वायर होता है, 85 किसका स्क्वायर होता है, ये तो आप फिर भी कर लोगे। देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ओके, 6 का स्क्वायर आप लोगों का 36, 7 का स्क्वायर 49, है ना, इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हो, और 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है तो वो हमने लेना नहीं, क्योंकि मेरा x कैसा सेट था, x सेट था आप लोगों का लेस देन 100 वाला था, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, उसको आप लोगों ने नहीं लेना। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर दिया हर्षिता ने दिया है, सो कुडोस फॉर हर्षिता। लो भाई इसके ऊपर आप दिमाग लगाइए, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। इन पुणे सिटी 450 फैमिलीज सेलेक्टेड फॉर सर्वे, इन दिस सर्वे फाउंड दैट 100 फैमिली रीड
ट्राइब्यून न्यूज़पेपर जो है क्या है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। 100 फैमिली क्या रीड करती है, 100 फैमिली इंडियन एक्सप्रेस रीड करती हैं। 80 फैमिलीज दोनों अखबार पढ़ती हैं। कैलकुलेट हाउ मैनी फैमिलीज रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, कि कम से कम जो है क्या है एक तो यूज़ करती ही होंगी। हाँ, वेन डायग्राम से भी आप निकाल के दे सकते हो, तो आपकी देखो अंडरस्टैंडिंग है, आप जैसे मर्जी देना चाहे इसको कीजिए। ज़रा 185, 150, 160 या फिर 170। जैसे सो गाइस, आंसर्स हमारे पास शुरू आना शुरू हो गए हैं और ज़्यादातर लोग दे रहे हैं डी को, है ना। देखो कैसे करना है आपने, डी ही सही है आपका सही जवाब जो है। और सबसे पहले थर्ड का डी दिया है, किसने दिया है, आशा, आशा ओझा ने दिया है सबसे पहले। सुकुडुस फॉर आशा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले जो लोग आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कौन से वाला, हमने उसको एन ए लेट कर लिया। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आपका ट्राइब्यून, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस कितने पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस 100 लोग पढ़ रहे हैं। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन लोग कितने हैं, कॉमन है आपके 80 पीपल आर प्रेजेंट जो कॉमन है, जो ट्राइब्यून भी पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। अब आपको बताना है दोनों में से एक तो ज़रूर पढ़ते हो ना, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट वन में आप लोगों को यानी कि यूनियन जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यूनियन का जो आपका फॉर्मूला है दैट इज़ दी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए वाले यहाँ पे 150, एन बी वाले आपके 100 और इंटरसेक्शन वाले कितने 80। तो 250 माइनस 80 जब आप यहाँ पे करेंगे तो 170 जो है आप लोगों